119 खिलाड़ी भारत मां का जय जयकार करने के लिए कठोर तपस्या करके, कड़ी मेहनत करके वहां पर पहुंचे हैं। हर कसौटी से पार होकर के निकले हैं। जीतने का इस संकल्प को लेकर के चले हैं और वो जीत अपना नाम दर्ज कराने के लिए नहीं, वो जीत हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों की आन बान शान के लिए। मुझे विश्वास है कि हमारे खिलाड़ी, हमारे भारत का ये दल पूरे दुनिया के दिल को जीतने में अवश्य सफल होगा। उनके आचरण से, व्यवहार से भारत की महान विरासत का परिचय करवाएगा। इस बार 119 गए हैं, क्या अगली बार 200 से ज्यादा खिलाड़ियों को पहुंचाने का संकल्प हम आज ही कर सकते हैं क्या? जिन खेलों में आज हमारा दूर दूर का भी नाता नहीं है, क्या ऐसे नए खेलों को भी भारत की धरती पर भारत के नौजवानों को हम तैयार करने का काम अभी से शुरू कर सकते हैं? भारत के नौजवानों में सामर्थ्य है, टैलेंट है, संकल्प है और बड़े बड़े सपने भी हैं। इस बार हमने 15 दिन पहले खिलाड़ियों को रियो पहुंचा दिया। ये इसलिए किया कि वो वहां के माहौल से पूरी तरह परिचित हो जाए, मैदान से परिचित हो जाए, वहां के वेदर से परिचित हो जाए, क्लाइमेट से परिचित हो जाए। इस बार हमने स्पेशल बजट अलॉट किया है, भारतीय खिलाड़ियों के दल को जो भारतीय चीजें खाने की पसंद है और जो उनके खेल के मुताबिक आवश्यक है, वे सारी खिलाड़ियों को उपलब्ध कराने का व्यवस्था भारत सरकार करेगी। खेल जगत की महान परंपरा को याद करते हुए रियो में जो खेल हो रहा है, होस्ट कंट्री को, हिस्सा लेने वाले देशों को करतब दिखाने वाले खिलाड़ियों को 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं।